हेलो हेलो। काफी सुंदर मैच का मुकाबला इस तलेगांव भाड़ी के ग्राउंड पर, जो सिडनी का फील देता है, ग्रीन ग्रास। आशीष देसाई बॉलिंग करते हुए, और यहां घुमा दिया है बॉल को, लेकिन एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बहुत अच्छी फील्डिंग यश द्वारा। कट किया, पीछे गेंद गई, लेकिन मना किया रन लेने से। इनसाइड एज कट, फिर चुके, काफी सुंदर गेंद आशीष देसाई द्वारा। तीन ओवर लड़खड़ाता हुआ स्कोर 11 रन। बड़ा लक्ष्य देना होगा अगर आपको जीत हासिल करनी होगी मैच में। समर्पण गांधी चौथा ओवर लेके आते हुए, पावर प्ले का यहां पर एंड। 11 रन। तीन ओवर सुंदर गेंद समर्पण भैया द्वारा, स्लोअर रन डालते हैं, चकमा खाती है हमेशा अच्छे बल्लेबाज। ठीक उसी तरह भूषण बोथरा को भी उन्होंने चकमा दिया। फिर से अच्छी विकेट कीपिंग ऋषि द्वारा। खेल दिया उसको नीचे से लेगाउन की तरफ, लेकिन वित्तीय अच्छी खूबसूरती फील्डिंग मंथन बोरुंदिया द्वारा। मंथन बोरुंदिया सिर्फ नाम ही काफी है, जिस तरीके से खैतान का नाम काफी है फैन के कंपनी में, ठीक उसी तरह प्लेयर्स में मंथन बोरुंदिया यह नाम ही काफी है। चार्ज करना होगा दोनों बल्लेबाज को, और यहां पर घुमाई गेंद को, लेकिन मिस हुए फिर से, समझ नहीं पाए। स्लोअर वन गेंद है समर्पण भैया की, मैं बार बार बोल रहा हूं। खतरनाक गेंद, बीट हुए, पूरा सम्मान दिया और एक रन से संतुष्ट होना पड़ा यहां पर मधुर सिसोदिया को। अगर HA11 को यह जीतना होगा मैच, तो मधुर सिसोदिया को जल्दी से आउट करना होगा, काफी महंगे साबित हो सकते हैं वो। पानी देने जा रहा हूँ, पानी भी दे दे के बाद बोल भी देंगे उसको। बोलना बे, बोलना। हाँ ठीक है, रख जल्दी रख रख रे रख। हाँ
खूबसूरत गेंद को लेकर आए हैं खूबसूरत बॉलर मंथन बुरुंदिया, एमपीएल के जाने माने बॉलर। खतरनाक गेंद उठा दिया लॉन्ग पिच में और यहां पर अच्छे मधुर सिसोदिया का एक अलग ही महत्व है टीम में। तुम साथ हो तो दुनिया अपनी सी लगती है, वरना सीने में सांसें भी पराई लगती है। बहुत सुंदर बॉलिंग मंथन बुरुंदिया द्वारा। फिर से बीट हुए भूषण बोथरा। थोड़ा धीरे खेलना होगा मंथन की बॉल को, मंथन की बॉल को खेलना इतना आसान नहीं है। अरे क्या वो बोलते कि फोन आया बोलते लाइट आ गया तो पांच ओवर 21 रन। ये पांच ओवर में लगभग 60 रन चाहिए अगर मजबूती वाला स्कोर आपको एचए के सामने खड़ा करना होगा तो। काफी सुंदर बल्लेबाजी। रिंकू स्टार्टेड यह सीजन का दूसरा मैच खेलते हुए, इसके पहले मैच में काफी शानदार परफॉर्मेंस किया था रिंकू भैया तातेड़ ने, जिस वजह से काफी बड़ा लक्ष्य देने में कामयाब हुए थे। मालूम है सर आपने एक हेलो अच्छी गेंद थी, उसे खेल दिया पॉइंट की तरफ और सिंगल रन। 18 नंबर की टी शर्ट पहने हुए आशीष भैया देसाई। आशीष भैया देसाई बॉलिंग करेंगे मधुर को।
स्लोअर गेंद कट लगा पीछे गई, लेकिन फील्डर कामयाब बढ़ाने में एक रन से संतुष्ट होना होगा, मना किया दूसरे रन के लिए। अच्छी फील्डिंग यश गांधी की, दो रन आसानी से बन जाते थे लेकिन पता नहीं मना किया। अच्छी फील्डिंग मंथन बुरुंदिया की, ज्यादा की ठीक है ठीक है। वो दीपक भैया अपने घर की तरफ जाते हुए, वाइट गेंद अंपायर का इशारा, वाइट गेंद का इशारा अंपायर द्वारा, एक रन एक्स्ट्रा में मिलेगा रॉयल किंग्स को। खेल दिया ऑफ साइड में, हवे में गेंद और यहाँ पर नाकामयाब हुए अड़ाने में उसे, चार रन अंपायर का इशारा, चार रन, चार रन के लिए खूबसूरत शॉट मधुर के बल्लेबाज पे। डीजे का आवाज कम रखेंगे, खतरनाक। पहले अच्छी गेंद आशीष भैया की, मधुर समझ नहीं पाए और बीट हुए। अब बॉलिंग का भार संभालेंगे मंथन बोरुंदिया। स्कोर क्या भैया, स्कोर स्कोर बताओ। 35 रन, छह ओवर, 35। अच्छी गेंद थी मंथन बोरुंदिया की, शॉट भी अच्छा लगाया था मगर फील्डर कुणाल सेठ ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा। 6 ओवर 35 रन, 6 ओवर 1 बॉल 35 रन, 2 विकेट के नुकसान पर रॉयल किंग्स का उभरता हुआ स्कोर। अच्छी गेंद मंथन बोरुंदिया की, मधुर समझ नहीं पाए और सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। हेलो, अच्छी गेंद थी मंथन बोरुंदिया की, बीट हुए वहां पर मंथन की बॉल को। मैंने पहले ही कहा था मंथन भी कोई मामूली बॉलर नहीं है, विसी के लिए खेलते हैं वो। खेल दिया उछाल के और यहाँ पर, और ये बाप आज तक प्रैक्टिस में कभी आए नहीं और इसके बावजूद भी इतना शानदार प्रदर्शन है ग्राउंड पे। और अभी जा रहे आदेश बोरुंदिया, दिया
अरे उसमें आवाज कट होता है। मंथन बुरुंदिया अभी बॉलिंग का भार संभालते हुए स्ट्राइक पे पीयूष तातेड़। अच्छी गेंद थी। डायरेक्ट थ्रो लेकिन मना किया अंपायर ने, कहा नॉट आउट है, अपने क्रीज में सुरक्षित पहुंचे। लेग बाय का इशारा कुमार सर द्वारा। अभी बैटिंग पे आदेश बोरुंदिया और मंथन बोरुंदिया, बॉलिंग पे चाचा भतीजे। चाचा को बॉलिंग डालेंगे मंथन बोरुंदिया। 36 रन। अच्छी गेंद, भाई नहीं चाचा को यहां पर चाचा का विकेट लिया भतीजे ने। सिक्स रन, 8 ओवर कंप्लीट। अभी बॉलिंग का भार संभालेंगे श्रीकांत। अच्छी गेंद थी, पीयूष भैया समझ नहीं पाए और विकेट कीपर के हाथों में बॉल। अगली गेंद, अच्छा शॉट मारा उन्होंने पीयूष भैया ने और सीधा फील्डर के हाथ में। अंशुल तातेड़ स्ट्राइक पे। उसे घुमा दिया लेग स्टंप पे और 4 रन। अच्छी कैच, वहां बहुत ही अच्छी कैच और अंशुल तातेड़ आउट हो गए। अच्छी बॉलिंग,
श्रीकांत की। बैटिंग पे जाएंगे तिलक राज गुगलिया हेलीकॉप्टर। अब जाएंगे फोर्टी वन रन। अच्छी गेंदती वहां स्लोअर वन सीधा फील्डर के हाथ में। अभी श्रीकांत बॉलिंग करेंगे तिलक राज को। अच्छी गेंद खेल दिया उसे पॉइंट के ऊपर से समर्पण भैया फील्डिंग करते हुए। वहां तीन फील्डर एक साथ रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत बढ़िया। प्रतिसालन लेना चाहते थे मना किया। फोर्टी फोर रन नौ ओवर की समाप्ति पर। नौ ओवर एक मिनट एक मिनट आठ ओवर की समाप्ति पर। अच्छी गेंद थी उसे खेल दिया लॉन्ग ऑफ के तरफ कुणाल सेठ फील्डिंग करते हुए। और दो रन कंप्लीट किए तिलक राज की अच्छी रनिंग दी विकेट। मंथन की अगली गेंद घुमा दिया उसे पीछे वहां कोई फील्डर नहीं और बाउंड्री के बाहर जाते हुए अंपायर का इशारा चार रन। अच्छा शॉट पीयूष भाई तातेड़ का। पचास रन रॉयल्स किंग्स के कंप्लीट हुए। अच्छी गेंद थी उसे खेलना चाहते थे सीधा फील्डर के हाथ से बाहर बैठे और पीयूष तातेड़ आउट हो गए। अच्छी गेंद मंथन बोरुंदिया की। अब राइट पे जाएंगे सैनिक तातेड़। अच्छी गेंद समझ नहीं पाए सैनिक और सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छा शॉट वहां पे सैनिक तातेड़ का पॉइंट की तरफ। अच्छा शॉट वहां पे खुद के फॉलो थ्रू में बॉल उठाया।
ओवर कंप्लीट हुआ। ऑफ स्टंप के बहुत बार गेंद और अंपायर का इशारा व्हाइट। अच्छी गेंद वाह, दो रन कंप्लीट किए वहां। वैभव लुढ़ा ने कैच छोड़ी। अच्छी गेंद, उसे खेल दिया लॉन्ग ऑफ के तरफ और एक रन कंप्लीट किया। दूसरा रन लेना चाहते थे पर सुरक्षित अपने घर में। नौ ओवर तीन बॉल 54 रन्स, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अच्छी गेंद, उसे खेल दिया। अच्छी फील्डिंग वैभव लोढ़ा की वहां। कुणाल सेठ बहुत समझदारी से बॉलिंग डालते हुए, अपने एक्सपीरियंस का यूटिलाइज करते हुए। अच्छी गेंद और वहां रन आउट होने का चांस और रन आउट। लास्ट बॉल ऑफ फर्स्ट इनिंग। और रन आउट, सैनिक ताते भी रन आउट हो गए। टोटल 57 रन, रॉयल्स किंग्स से 57 रन बनाए और एचए 11 को जीतने के लिए 58 रन बनाना है 60 बॉल्स में।
स्ट्राइक पे मंथन बोरुंदिया, रॉयल्स की कप्तान पीयूष ताते फील्डिंग सजाते हुए, सैनिक तातेड़ गेंदबाजी पर, अच्छी गेंद उड़से उठा के खेला और ये आउट। बंधन बोरुंदिया पहली गेंद पे आउट हो चुके हैं। अच्छी गेंदबाजी वहां सैनिक तातेड़ की और इतना ही अच्छा कैच अमन गुगलिया का। अभी कुणाल सेठ स्ट्राइक पे जाते हुए, नॉन स्ट्राइक पे, कुणाल सेठ स्ट्राइक पर है समर्पण भैया गांधी, बॉलिंग पर सैनिक तातेड़। अच्छी गेंद उसे कट करना चाहते थे पर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। अच्छी गेंद और उसे खेल, हेलो वहां अंशुल रिंकुश भैया अच्छी फील्डिंग करते हुए।
अगली गेंद उसे खेल दिया लेग स्टंप के तरफ। वहां आनंद काकलिया फील्डिंग करते हुए मिस हुए, सेकंड रन लेना चाहते थे, मना किया कुणाल भैया ने। अच्छी गेंद, एक ओवर की समाप्ति पर तीन रन, लॉस ऑफ वन विकेट। अब बॉलिंग का जिम्मा संभालेंगे। आदेश ब्रुंदिया, अच्छा शॉट उसे खेल दिया। अच्छा शॉट वापस समर्पण भैया का। आदेश भैया की अच्छी गेंद थी पर उसे अच्छे तरीके से खेला और चार रन बटोरे अपने टीम के लिए। अच्छा शॉट वहां और बाउंड्री के बाहर जाते हैं और ये चार रन। हेलो हेलो, अच्छा शॉट वाह कुणाल आपने समर्पण भैया का और दो रन टीम के लिए। आदेश भैया उसे खेल दिया लॉन्ग ऑफ की तरफ। वहां अमन गुगलिया बहुत ही अच्छे फील्डर, चुस्त और तंदुरुस्त। अच्छी गेंद उसे खेलना चाहते थे लेग साइड, बीट हुए कुणाल। एक ओवर पांच बॉल 14 रन, लॉस ऑफ वन विकेट। अच्छा शॉट वहां और उतनी अच्छी फील्डिंग भूषण बोत्रा द्वारा जो माल्टोवा के नाम से फेमस है। अब बॉलिंग का जिम्मा संभालेंगे सैनिक तातेर। दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 15 रन एक विकेट के नुकसान पर। सैनिक तातेर अगली गेंद उसे खेल दिया लॉन्ग ऑफ की तरह। वहां मधुर चुस्त और तंदुरुस्त
पर एक रन लेने से रोक नहीं पाए बैट्समैन को। अच्छा शॉट लॉन्ग ऑफ के तरफ, समर्पण भैया का, रिंकुश भैया की अच्छी फील्डिंग। फील्ड सेट करते हुए कैप्टन, अच्छी गेंद उसे खेल दिया और रन आउट का चांस और अंपायर का डिसीजन। आउट, समर्पण भैया पहुंच नहीं पाए और रन आउट हो गए समर्पण भैया। गांधी
हेलो, चार ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 18 रन चार विकेट के नुकसान पर। एच इलेवन को अगर ये मैच जीतना है तो उन्हें 36 गेंदों में 40 रन की आवश्यकता, 36 बॉल 40 रन। और इसी के साथ यहां पर पांच ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 29 रन चार विकेट, पांच ओवर 29 रन चार विकेट। एच इलेवन को यह मैच जीतने के लिए 30 गेंदों में मात्र 29 रन की आवश्यकता, 30 बॉल 29 रन।
हेलो 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 छह ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 39 रन। अब आखिरी के चार ओवर और ये आज के दिन का आखिरी मैच। घुमाने की कोशिश ऑफसाइड की दिशा से, फील्डर तिलक राज गुगलिया पकड़ पाएगा या नहीं, नहीं पकड़ पाए गुगलिया और ये हुआ चौका। बढ़ता हुआ स्कोर, फोर्टी थ्री रन। बहुत शानदार ये मैच। बॉलिंग का जिम्मा संभाले हुए रिंकुज भैया, सामने है आशीष भैया, देखना है। काफी तादाद में यहां फील्डर्स, चुस्त तंदुरुस्त, हजारों की तादाद में पब्लिक। अगली गेंद खेलना चाहते थे जोरदार अपील, लेकिन हमारे अंपायर काफी चुस्त, कोई असर नहीं अंपायर पे, कोई असर नहीं। अगली गेंद रिंकुज भैया की, हाईवे एंड से डालेंगे। ये आशीष भैया जिन्होंने पिछले चार गेंदों पहले काफी बढ़िया हिट लगाई थी, फिर से उठा के मारा है अमन गुगलिया, गेंद के नीचे और ये पकड़ लिया अमन गुगलिया। कोई कैच अभी तक नहीं ड्रॉप करते, बहुत ही बेहतरीन फील्डर, बेस्ट फील्डर का अवार्ड मिलना चाहिए अमन गुगलिया को। देखते हैं फाइनल के दिन क्या करते हैं अमन गुगलिया। बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ पे अमन गुगलिया द्वारा। एक और विकेट गिरता हुआ एच इलेवन का, बैट्समैन नेम यश भरूट। अब आए हैं यश भरूट। रिंकुज भैया की अगली गेंद, हाईवे एंड से बॉलिंग, डिफेंसिव मोड में चली गई है एच ए इलेवन। शायद जीत के लिए कोई जज्बा बचा ही नहीं एच ए इलेवन में, जिस प्रकार का शॉट सिलेक्शन में देख रहा हूं। 43 रन, टारगेट कितना है 18 गेंदों में, अब चाहिए 15 रन। 18 गेंदों में चाहिए 15 रन। कैप्टन पीयूष तातेड़ काफी डिस्कस करते हुए कि क्या किया जाए, 18 गेंदों में चाहिए 15 रन, आखिरी की तीन ओवर बची है और एच ए इलेवन को यह मैच जीतना होगा। उसी तरह काफी हरा भरा ये मैदान, जेबी के सारे प्लेयर आराम से बैठे हुए हैं, मैच का मजा ले रहे हैं। आरके चैलेंजर्स थोड़ी सी टेंशन में। बॉलर नेम श्रीनिक, श्रीनिक श्रीनिक। अगली गेंद करेंगे श्रीनिक, 18 गेंदों में चाहिए 15 रन। काफी रोमांचकारी है मुकाबला, धीरे धीरे अंपायर को पार करते हुए घुमाने की कोशिश, लेकिन पिछले कई सालों से बैट और बॉल का संपर्क नहीं हुआ है, आज भी नहीं। इस मैच में अगर जान लाना है तो कमेंट्री से ही लाना होगा, क्योंकि प्लेयर की बॉडी लैंग्वेज काफी सुस्त हो चुकी है। अगली गेंद श्रीनिक की, देखना है। ऊपर उठा के मारा है पीछे पीयूष तातेड़ और ये अच्छी कैच, कैचेस विन द मैचेस।
फिर से एक और विकेट का पतन होता हुआ एच ए इलेवन का, एक के बाद एक आना जाना लगा रहता है एच ए इलेवन के प्लेयर का, कोई खड़ा रहना नहीं चाहता, कोई पार्टनरशिप बनाना नहीं चाहता। अमन गुगलिया बॉलिंग टिप्स देते हुए, अगली गेंद श्रीनिक की, अगली गेंद खेलना चाहते थे लेकिन फिर से अच्छी गेंदबाजी करते हुए श्रीनिक, और ये मैच में अभी भी जान बाकी। पंद्रह गेंदों में 15 रन, रन अ बॉल चाहिए। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है लेकिन बैट्समैन काफी देखना है, खेलना चाहते थे सही लेकिन थोड़ी सी फंबल रिंकुश की वहां पे, और आसानी से दो रन मिल गए। जहां एक रन होना चाहिए था वहां बने दो, अब चाहिए रन 13। 13 रन चाहिए, देखना है। पीयूष भैया अपनी फील्डिंग सजाते हुए, अगली गेंद श्रीनिक की, खेल दिया है पॉइंट की दिशा से, जोरदार अपील और ये आउट, डायरेक्ट थ्रो और ये आउट। एक और विकेट गिरती हुई एच ए इलेवन की। रिव्यू रिप्ले देखा जा रहा है। तेरह बॉल 12 रन, 13 गेंदों में चाहिए 12 रन। श्रीनिक की अगली गेंद, 13 गेंदों में चाहिए 12 रन। अगली गेंद श्रीनिक की, खेल दिया है, अच्छी फील्डिंग वहां मधुर की, ओवरथ्रो जहां कोई जरूरत नहीं थी, और यह मिला है एक रन एक्स्ट्रा।
मधुर ने ओवरथ्रो का एक रन ज्यादा दिया। 8 ओवर के बाद 48 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट। 12 गेंदों में अब चाहिए केवल 10 रन, 12 गेंद 10 रन। ये एक रन जो मधुर सिसोदिया ने दिया वो दिवाली का बोनस था। बोनस एक रन बोनस में मिला, इसके चलते 2 ओवर बशेष और जीत के लिए रन चाहिए 10। अब गेंदबाजी पे आएंगे भाई अमन, अमन गुगलिया। काफी इंतजार किया उन्होंने 8 ओवर के बाद, जब कैप्टन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा तो आप अमन गुगलिया को लेके आए हो बॉलिंग के लिए। आप चाहिए केवल 10 रन। 50 ओवर के मैच में 49th ओवर और 10 ओवर के मैच में 9th ओवर काफी क्रूशियल माना जाता है। देखना है क्या करेंगे अमन गुगलिया। थोड़े से निराश प्लेयर, चिड़चिड़ कर रहे हैं सभी प्लेयर, लेकिन मैं आपको सबको सलाह दूंगा, आराम से खेलो। खेल दिया है केवल एक रन। 11 गेंदों में अब चाहिए 9 रन। अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं अमन गुगलिया, लेकिन जेबी 11 के खिलाफ जो उनका ओवर था काफी करियर पे उनका प्रभाव गिरा है जेबी के खिलाफ के मैच का। इसके चलते अगली गेंद अमन की शायद राउंड विकेट जाना चाहते हैं। अच्छी गेंद, अच्छा खेल दिया है अमन गुगलिया। अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का 254वां मैच खेल रहे हैं। अभी तक 147 विकेट उन्होंने ली है। आईपीएल में अभी तक कोई नंबर नहीं लगा, इसके लिए एमपीएल में उनको खिलाया जा रहा है। अगली गेंद अमन गुगलिया की, फिर से H11 के प्लेयर। मैं आप बताना चाहता हूं कि ये एमपीएल है, महावीर प्रीमियर लीग, टेस्ट प्रीमियर लीग नहीं है। तो आप जो डिफेंसिव मोड में खेल रहे हो देखने वालों को मजा नहीं आता। अगली गेंद अमन की मारना, देखिए कमेंट्री का थोड़ा बहुत परिणाम। अच्छी गेंद ऑफ साइड पे और वहां एक रन मिल गया। अब चाहिए 8 गेंदों में चाहिए 7 रन। अच्छी गेंदबाजी कर रहे वहां अमन गुगलिया, अच्छा कमबैक किया उन्होंने। अगली गेंद अमन की वाइड गेंद, फिर से खराब गेंद, अतिरिक्त रन ये ठीक नहीं है। अतिरिक्त रन देना किसी भी बॉलर के लिए ठीक नहीं है। 8 गेंदों में अब चाहिए 6 रन, 8 बॉल 6 रन। घुमा के मारा है दोनों फील्डर के बीच में से, फील्डर बने दर्शक, गेंद निकल गई हवा की तरह। दोनों फील्डर देखते रह गए बॉल की तरफ। सात गेंदों में अब चाहिए 2 रन। H11 के प्लेयर्स नाचते रहना चाहिए उन्होंने। अच्छी गेंद, तिलक गेंद के पीछे, लेकिन खिलाड़ी है और ये मैच H11 से जीत लिया है काफी अच्छी मार्जिन में।